वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, सतनाम जोहार। भाई साहब मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जिग्दी सतनामी। आज हम सब एक दुनिया में गुरु रविदास महाराज की हम लोग जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके जन्म दिवस की। भाई साहब मानवता चैनल की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों के जीवन में मंगलमय हो, प्रकाश हो, ऐसे महान पुरुष की जो आज हम जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज उन्हीं के अवसर पर हम आज तीसरे दिन लगातार गुरु रविदास जी के क्रांतिकारी विचारों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज बहुत खास मेहमान लोग जुड़ गए हैं, 7 मेहमान जुड़ गए हैं अलग अलग राज्यों से। मैं सभी मेहमानों का आज के इस प्रोग्राम में तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर वैसा मानवता चैनल में अपने विचार साझी करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आधे घंटे 40 मिनट करीब 90 मिनट तक, एक घंटे तक, हो सकता है एक घंटा भी हो जाए, तो हम इस पर खास चर्चा के लिए आप सब लोगों को आमंत्रित किए हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम की मीडिया भक्त रविदास गुरु जी की वाणी को, उनके विचारों को ना दिखाने की कोशिश करते हैं, ना इस पर कोई चर्चा करते हैं। तो हमारा वैसा मानवता चैनल पर ये हमारे मकसद है कि हम संत महापुरुषों की वाणियों को, विचारों को जन जन तक लेके जाएं, यही हमारा उद्देश्य है। और आज हमारे साथ जुड़े हुए सभी मेहमानों का मैं बारी बारी से परिचय करा दूं। नेपाल राज्य से मीना पेरियार जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं वैसा मानवता चैनल में। मीना जी स्वागत है आपका। हमारे साथ संतोष साहू साहब जुड़ गए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ अमेरिका से जसबीर भाटिया साहब जुड़ गए हैं। हमारे साथ दिल्ली से गौतम जी जुड़ गए हैं। गौतम जी का नाम मैं शायद मिस्टेक कर रहा हूँ, नाम क्या गौतम जी अपनी नाम बता देंगे बाद में। एम बी गौतम जी। हमारे साथ रोशनी जुड़ी हैं दिल्ली से, और उनके और भी कई मेहमान हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज आने वाले हैं। छत्तर सिंह पंजाब से जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, जो बामसेप के महासचिव है, उनका भी हम स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले मैं भगत रविदास गुरु जी की जो परिकल्पना थी इस भारत भूमि पर, अपितु पूरे विश्व में, बेगमपुरा शहर को ना हो दुख अंदोख नहीं ती ठाव, ये प्रमुख उनकी दोहा और ये वाणी है। तो उनका ये जो सफर है, जिसको हमारे मेघराज जी भी बार बार अपने शब्दों में, अपने अल्फाज में ये कहते हैं कि हम उनकी, उन्हीं की परिकल्पना के आधार पर इस देश के बहुसंख्यक समाज के लोगों को उनके विचारों में, उनके मार्गों पर हम ले चलने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस प्रमुख चर्चा को लेकर, जो गुरु रविदास साहब जी ने इतनी बड़ी वाणी, इतने बड़े संदेश मानवता को जो दिए है, इसी पर हम पहले चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए गौतम जी के पास में जाना चाहूंगा। गौतम जी, जो गुरु रविदास साहब की जो परिकल्पना थी बेगमपुरा शहर को नाव, तो इसको परिभाषित करते हुए उनकी जयंती के अवसर पर हमारे दर्शकों को अपने विचार साझी करें। गौतम जी, सभी साथियों को संत गुरु रविदास साहब की जयंती पर शुभकामना है। और मैं समझता हूं कि हम लोगों ने, और हम ही लोगों ने पूरे भारतवर्ष में आज गुरु संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी की जयंती मनाई है। और किसी ने फल बांटे हैं, किसी ने फ्रूट्स बांटे हैं, किसी ने कुछ बांटा है, किसी ने हलवा बांटा है, तो बड़े शान शौकत से उनकी जन्म जयंती मनाई है। और उनके जो दोहा हैं, उनके जो पददांश हैं, वो इतने सार्वभौमिक हैं, जैसे कबीर साहब के थे, वैसे ही उसी पैरलर पर उन्होंने कहा, उनकी दोधारी तलवार थी, उन्हीं के समाज में रह के और उन्हीं को समझाना एक बहुत बहादुर, बहुत निडरता और बहुत साहसी का कार्य था उनका। तो हम ऐसे संत महापुरुष के लिए उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे साथ दिल्ली से हमारे जो सीपी कश्यप साहब भी जुड़ गए हैं, तो मैं सोचता हूं एक बार उनका भी आप परिचय करवा लें जी। तो मैं तो आज आपके लोगों का विचार सुनने के लिए ही आया हूं जी। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया गौतम जी। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए जितने भी नए मेहमान हैं वो बारी बारी से हमारे स्क्रीन पे आ जाएं और अपना परिचय दे दें,
क्योंकि मैं बहुत लोगों का नाम भी नहीं जान रहा हूँ, इसलिए मैं उनसे कोशिश करूंगा कि वो पहले अपनी परिचय भी दे दें आकर के, ताकि हम आज के इस प्रोग्राम में उनको इंट्रोड्यूस कर सकें और उनको आमंत्रित कर सकें विचारों को लेकर। तो अगर हमें सुन पा रहे हैं तो बारी बारी से अपने परिचय देते हुए आ जाएं आज की स्क्रीन पे। कश्यप जी हमें सुन पा रहे हैं? ऑडियो आपकी स्टॉप है, ऑडियो को खोलिए सीपी सिंह जी प्लीज। जी बहरहाल उनसे जुड़ते तक मैं चाहूंगा कि संतोष साहू साहब आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए संत गुरु रविदास साहब की विचारों पर आज की इस परिचर्चा को आगे लेके जाए। संतोष साहू साहब संतोष साहू साहब सुन पा रहे हैं हमें? संतोष साहू साहब का ऑडियो स्टॉप है, भी चालू करें उनका। संतोष साहू जी अपनी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जयंती के अवसर पर वॉइस ऑफ मानवता में अपनी बात रखने आए सभी विद्वान साथियों को मैं नमो बुद्धाय, और देश और दुनिया के लोगों को मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जयंती के अवसर पर हार्दिक देता हूं। और जैसा कि आपने बताया कि विगत आज तीसरा दिन है, दो दिन पूर्व से यह कार्यक्रम आपके द्वारा चलाया जा रहा है। गुरु रविदास जी महाराज के विचारों के आधार पर यह कार्यक्रम है। उनका विचार ऐसे समय पे उनका अवतरण हुआ भारत में, जन्म लिए, जब भारत में घोर जातिवादी व्यवस्था थी, जहां वर्णवादी व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, शूद्रों में अति शूद्र, ऐसे घोर जातिवादी व्यवस्था में उनका जन्म हुआ। और उन्होंने जो चुनौती दिया अन्याय अपमानकारी व्यवस्था को, जो देश और दुनिया के लिए एक सबक है, और हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे भारत देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का जयंती आज मनाया गया है, मनाया जा रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे समय समय पर जन्म लिए महापुरुषों के विचार जो हमसे छुपाई गई थी, वो सोशल मीडिया के माध्यम से विद्वानों के द्वारा समाज को बताया जा रहा है। जैसे जैसे जानकारी समाज तक पहुंच रहा है, लोग स्वस्फूर्त महापुरुषों के विचारों पे ये समाज का निर्माण हो, जहां ऊंच नीच, गैर बराबरी, अन्याय, अत्याचार, शोषण, जन्म से ऊंच, जन्म से नीच, ऐसा जो एक विकृत मानसिकता है, जिसका समय समय पे भारत में जन्मे महापुरुषों ने अपना जीवन का बलिदान देकर विरोध दर्ज कराया, ऐसे ही संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का जो कार्य है वो साधारण शब्दों में बयां करना बहुत कठिन है। उन्होंने जो किया उत्तर भारत में, वो एक महान दार्शनिक, महान विचारक, और वो जो अपने विचारों में कह गए, आज तक उनके विचारों का कोई काट नहीं है, अकाट है, मार दिए। और निर्भीक, निडर, साहसी होकर जो अन्यायकारी व्यवस्था थी उसके विरोध में वो संपूर्ण उत्तर भारत ही नहीं, उनके विचार संपूर्ण भारत में फैले और भारत के लोगों में चेतना जागृत हुई कि इस दुनिया में प्रकृति किसी को जन्म से छोटा और बड़ा नहीं बनाता। और इस बात को लेकर उन्होंने जो आंदोलन चलाया है, ऐसे महान संत संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर मैं देश दुनिया के लोगों को छत्तीसगढ़ भारत की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब, आज की इस परिचर्चा पर आपने बहुत अच्छी विचार साझी किए हैं। हम आपके पास दोबारा फिर से लौटेंगे। हमारे साथ चंद्रपाल सिंह जी जुड़ गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो जयंती गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर अपने विचार साझी करें। चंद्रपाल सिंह जी दिल्ली से। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भी आऊंगा बाद में। आज वर्चुअल मीटिंग में ये अपने बात रखे संत शिरोमणि रविदास महाराज जयंती की बहुत शुभकामनाएं। तो इसमें जो संत
परंपरा के प्रतीक संत श्रोमणि रविदास जी ने जिस तरह से समाज उसी विचारधारा पे चल उनसे सीख कर हमें भी समाज में उनकी विचारधारा को फैलाने की जरूरत है। समता मूलक विचारधारा को लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी संविधान में समता शब्द का प्रयोग संत श्रोमणि रविदास जी की विचारधारा को लेकर आए थे। आज की मीटिंग पहली बार मैं ज्वाइन कर रहा हूं। आज मैं आप सभी को सुनूंगा और आपसे सीखेंगे। इसी के साथ ही मेरा परिचय है, मैं दिल्ली में रहता हूं, संगम बिहार में। मेरा प्रोफेशन है डॉक्यूमेंटेशन का काम, साथ ही साथ एमडी गौतम जी के साथ में एक एनजीओ में काम करते हैं, समाज सेवा। बाबा साहब तथा बुद्ध, महात्मा फूले और जितने भी समाज सुधारक हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनकी वाणियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, जितना हमें समझ आता है, जितना हम पढ़े हैं। जी, ये हमारा छोटा सा परिचय और सभी को बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत शुक्रिया छत्रपाल जी, नमो बुद्धाय। फिर से लौटेंगे। हमारे साथ काफी मेहमान आज जुड़ गए हैं, हम उनके पास बारी बारी से जाने की कोशिश करेंगे। मीना पेरियार जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, समाज की लड़ाई लड़ते हैं, दबे कुचले पिछड़े लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, मीना पेरियार जी नेपाल से जुड़े हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर आज के सभी मेहमानों को और आम जनता को अपने विचार साझे करें नेपाल से। मीना जी, सभी लोगों को हमारे तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। नेपाल से हम बोल रहे हैं। हमारा नाम मीना परियार, कह चुके पहले, हमारा परिचय हो चुका है। अभी कवि शिरोमणि रविदास के बारे में जो चर्चा चल रही है, मैं नेपाल की हूँ, मैं आप लोगों से ज्यादा नहीं जानती हूँ कवि शिरोमणि के बारे में, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, मैं एक एक्टिविस्ट होने के नाते से इतना जरूर कहूंगी कि वो समाज में जो कलंक के रूप में जो जातीय विभेद है मनुष्य के ऊपर, मनुष्य मनुष्य के बीच में जो विभेद है, ये विभेद को हटाने के लिए उन्होंने अपना अभियान शुरू किया है। तो इसको स्मरण करते हुए हम समाज में रहने वाले सभी लोगों को ये बनता है कि ये अपनी हक की लड़ाई, ये मानवता की जो लड़ाई है, इसमें शरीक हुए और आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामना देते हुए बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगी आज कहने के अलावा। आप लोगों के सुनने के लिए जी, हमारे साथ नेपाल से जुड़ी हैं, ये इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और वैसे तो आप हमारे प्रोग्राम में, हमारे जूम मीटिंग में बीच बीच में आते रहते हैं और अपने विचार साझा करते रहते हैं विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर, बहुत शुक्रिया। मैं रोशनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गुरु रविदास जी की, महाराज जी की जयंती के अवसर पर आज की महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने विचार साझी करें। रोशनी जी, दिल्ली से। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। मैं रोशनी दिल्ली से अपने पूरे देशवासियों को, अपने समाज वालों को गुरु रविदास जी के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि गुरु महाराज ने जो हमारे लिए रास्ते निकाले हैं, उन पर चलने की कोशिश करें और लोगों को ये बताएं कि जो हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे गुरु रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर अभी भी लोग बहुत झिझक में रहते हैं और इससे अपनी जाति को बताना नहीं चाहते। इसलिए खुलकर अपनी जात को बताएं, अपने गुरु का सम्मान करें, अपना सर ऊंचा करें, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें यह उपदेश दिया है किसी से पीछे हटकर नहीं रहना। उन्होंने ज्ञान को फैलाने की हमें शिक्षा दी है। ज्ञानी बनिए, पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए। जी
जी बहुत शुक्रिया रोशनी जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। चूंकि आज देश और दुनिया में जो गुरु रविदास महाराज जी ने बेगमपुरा शहर की जो परिकल्पना की थी और उनके इस उक्ति से हम लोग और आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत किए हैं और आज हमारा ये तीसरा एपिसोड है और बहुत सारी चर्चाएं पहले और दूसरे एपिसोड में हो चुकी है, लेकिन जिस ढंग से संत गुरु रविदास साहब की जो परिकल्पना थी वो परिकल्पना इन तमाम जो रूढ़िवादी जातिवादी मानसिकता के लोगों को ये संकेत दिया था, ये सचेत किया था कि सतनाम के रास्ते पर चलने वाले लोगों को आप गुमराह ना करें और हमारे जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं उनको उन्होंने एक छोटी जाति में भी पैदा होकर के ऐसे संत महापुरुष को भी जाति के बंधनों पे जोड़ करके आज भी लोग ये कहते हैं कि संत रविदास एक छोटी जाति के गुरु है और उनके मानने वाले भी छोटी जाति और शूद्र जाति के लोग ही उनके गुरु हैं। ऐसे ही गुरुओं को भी लोगों ने बांटा है, तो इस बांटने की परिकल्पना को लेकर के जो बहुसंख्यक समाज के लोगों को जागने और जगाने की जरूरत है, क्योंकि उनकी विचारधारा एक क्रांतिकारी विचारधारा है और समाज को नई रोशनी नई दिशा देने की ओर है। तो मैं आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब जुड़ गए हैं और जसबीर भाटिया साहब एक काफी ज्ञानी हैं और जिस ढंग से गुरु ग्रंथ साहिब में विभिन्न संत महापुरुषों की वाणी को दसम पिता गुरु गोविंद सिंह साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित करके जो सम्मान दिया, उन्हें भगत रविदास गुरु जी की संज्ञा दी और देश और दुनिया में उनका जो उनकी विचार और उनकी ज्ञान को आज हर गुरुद्वारों में हर ग्रंथी हर ज्ञानी एक सिमरन के तौर पर एक अरदास के तौर पर शबद कीर्तन के रूप में रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरुद्वारे में गुरु रविदास की वाणी को श्रवण किया जाता है। तो ऐसे महान पुरुषों की इस ज्ञान को जिस ढंग से संजो करके गुरु गोविंद सिंह साहब ने रखा और देश दुनिया में फैलाया गया है, तो मैं जसबीर भाटिया साहब के मुखारबिंद से उनकी महानता को लेकर मैं आज के जयंती के अवसर पर उनसे गुजारिश करूंगा कि गुरु रविदास साहब को भी जातिवादी मानसिकता के लोगों ने कैसे बांटा और इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इस पर आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। जसबीर भाटिया साहब सत श्री अकाल, वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु फतेह, नमस्कार सबको, सब सुनने वालों को। जो आप सबने जो शब्द कहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द कहे हैं सबने अपने ही विचारधारा से। साहू साहब ने बहुत ही सुंदर शब्दों में उनके बारे में कहा है और आज पंजाब में भी 646वीं का 646 साल का ये उनका दिवस है आज, क्योंकि वो गुरु नानक से भी पहले हुए थे। तो हमारे लिए चूंकि संत श्रोमणी संत रविदास, जैसे आपने कहा, गुरु ग्रंथ साहब के इस रूप में एक हमारे लिए एक संपूर्ण गुरु है, तो उनको श्रद्धांजलि भी हम देते हैं, देना हमारा धर्म है, फर्ज है। उनको बहुत श्रद्धांजलि है, आप सब लोगों को श्रद्धांजलि तो आप लोगों को है, उनको तो उनको श्रद्धांजलि की बात नहीं, श्रद्धांजलि आप लोगों को है जो उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं और उनके विचारों को अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हैं। ये बात जी। तो मैं आज एक शब्द जो है, एक बार है, बारे एक भाई रविदास भाई गुरदास जी हुए हैं जिन्होंने गुरु अर्जुन के साथ बैठ के सारा गुरु ग्रंथ अपने हाथों लिखा है। गुरु अर्जुन देव जी बोलते थे और वो लिखते थे, उनके हाथ की सफाई, लिखने की सफाई उन्होंने की। उनकी भी अपनी बाणी है, गुरदास बाणी। उनमें से आपको मैं एक सुनाना चाहता हूँ जो उन्होंने भक्त रविदास के बारे में लिखा है, तो होल्ड करिएगा। Thank you.
भाटिया साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। वॉइस ब्लॉक हो गई है भाटिया सर, अपनी आवाज को म्यूट करें भाटिया सर। हाँ 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 जी, आवाज आ रही है, आवाज तो खुले है। अच्छा वो मैंने अपने फोटो में उनका जो शब्द थे वो लिखा हुआ था, मैं उस पे पढ़ रहा था तो शायद उससे कैमरा फिर हट जाता है। खैर मेरे कहने का भाव ये है कि उन्होंने लिखा है उनके बारे में कि ऐसा इंसान जो जैसे अभी सामने कहा नीचों में नीच, चूंकि चमार थे वो चमड़े का काम करते थे, एक चमड़े का काम करने वाले ऐसे इंसान जो मैले कुचैले कपड़ों में बैठे हैं लेकिन मैले कुचैले कपड़ों में एक लाल हीरा लिपटा हुआ है, समझे ना आप क्या कहने कहना चाह रहे थे। इतनी गरीबी की हालत थी, क्योंकि गरीब तो थे ही, लेकिन उस गरीबी के हालत में भी उसके अंदर एक लाल हीरा जुड़ा हुआ था। भक्त रविदास को एक डायमंड उन्होंने कह के बुलाया है, एक मैले कुचैले कपड़ों में लिपटा हुआ एक हीरा, एक डायमंड, एक लाल, जिसे लाल रूबी कहते हैं। तो ये महानता के बारे में उन्होंने ये शब्द कहे हैं कि ऐसा लाल हीरा जो कि फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ था वो संत संत रविदास थे। तो उन्होंने चारों वर्णों को उपदेश दिया है और साझा उपदेश दिया है, और उनका उपदेश तो आप जानते ही हैं कि सब मानवता जो है एक है, ऊंच नीच में भाव नहीं होना चाहिए। ये सारी गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में यही है, यही एकता की बात है। तो बात सिर्फ इतनी है कि इतने बरस बीत गए लेकिन वो बात हमारे जीवन में क्यों नहीं आ रही। अभी भी ये भेदभाव चल रहा है, जिन लोगों ने उनको भी मारने की कोशिश की, रविदास संत रविदास को, भक्त कबीर जी को मारने की कोशिश की, और उनकी अभी भी चालें चल रही हैं और वो हमारे लोगों को आपस में बांट रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं धर्म के नाम से। कभी कुछ कह के कभी कुछ कह के, मैं ज्यादा ना कहूँ, तो संगठित होने की आवश्यकता है और इस विचारधारा को, इस क्रांतिकारी विचारधारा को आगे ले जाने की जरूरत है, अपने जीवन में डालने की और अपने समाज को उठाने की जरूरत है जो उन्होंने उपदेश दिए हैं उनके आधार पे। और जब तक हम वो नहीं करते तो फिर बाकी जयंती मनाते रहें, फल बांटते रहें, उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम उसको अपने जीवन में आधार में लगाएंगे नहीं, समझे ना जी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि महान गुरुओं की बातों को समझने के साथ साथ हमें उसको अपने जीवन में लाना है, वो बात कमी रह गई है इतने बरसों के बाद भी। और इसको कैसे करना है ये सब आप सब समझते हैं, जैसे आप भाई साहब जो दिल्ली से बोल रहे थे, उनका भी यही है कि उद्धार के लिए वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सभी को जुड़ के ये काम करना है, ये जाति भेद जो भारत में है इतने हजारों सालों से, इसको खत्म करना जो है ये हमारे सबका धर्म है, और यही उनका उपदेश है। उपदेश को पालन करना ही जरूरी है, ना कि सिर्फ जयंती मना दी फिर हम वही पुराने के पुराने रहे, उसका क्यों फायदा है। तो इतने कहूंगा, वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु फतेह, सत श्री अकाल। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कह दी है, और मुझे लगता है कि तमाम हमारे दर्शकों को, तमाम हमारे जो आज के मेहमान हैं उनको भी ये बात समझने की, गौर करने की जरूरत है। हमारे साथ कृपाल सिंह साहब जुड़ गए हैं, डॉक्टर कृपाल सिंह साहब अमेरिका से, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी तक हमारी चर्चा को अगर सुन रहे हैं कृपाल सिंह साहब, तो उनसे गुजारिश करूंगा मैं कि गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास साहब की जो आज जयंती के अवसर पर अपने संदेश के रूप में अपने विचार प्रकट करें हमारे देखने सुनने वालों को। कृपाल सिंह साहब। थैंक यू जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह, नमस्ते, राम राम, जो भी आपका पिछोकड़ हो प्लीज प्रमाण करना, सतनाम। बात क्या, सबको पहले तो लख लख मुबारक हो, भगत रविदास जी, गुरु रविदास जी, सतगुरु रविदास जी, आपको भी। हाँ जी, थैंक यू। देखो गल शब्दों से नहीं, इकली शब्द गल प्रैक्टिकल से है। भगत रविदास जी एक अकाल पुरख, एक निराकार, एक ओंकार के पुजारी थे।
वो इतने पुजारी थे उनके कि उनका एक शब्द है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपसे मैं शेयर करना चाहूँ। गुरु ग्रंथ साहब से शब्द है, भगत रविदास जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे विच भगत कबीर जी, भगत नामदेव जी ते होर भगतां दे नाल शामिल है, अलोंग विद गुरु नानक साहब तो लैके गुरु अर्जन देव जी ताई ते गुरु तेग बहादुर जी की बाणी। शब्द कितना ब्यूटीफुल है, श्री राम तू ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। भगत जी कह रहे ने तो वाहिगुरु परमात्मा परम पुरख तेरे ते मेरे फर्क ही है, तू मैं या मैं तू हां। उस तरह जिवें एक सोने दे गहने गहना बनिया होया, वो भी सोना, जैसे जल ते तरंग उठते हैं तो वह भी समुद्र का रिवर या समुद्र का हिस्सा है। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। आगे वो कहते हैं, जाओ मैं जाओ पे हम ना पाप क्रांता, अह अनंता पतत पावन नाम कैसे होता रहाओ। दिस इज इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं, भगत जी कह रहे हैं यहाँ एक किस्म से के परमात्मा, जे मैं पाप ना करता तो तेनू अनंत कौन कहता, वो वुड हैव आस्क्ड यू कि भी आप बहुत बेअंत है, और आपको पतत पावन कैसे कहते जे हम लोग पाप ना करते। जो हमें सबसे ये मैसेज दे रहे हैं, नो मैटर कितनी गलतियां हमने कोई हो, कितनी जात पात या कहां भी से भी होवे, उसके घर में तो सब बराबर हैं। परमात्मा साडे विच, असी परमात्मा दे विच। दैट्स व्हाट एक ओंकार सतनाम करता पुरख जाले बावज। सो वो कह रहे हैं, तुम जो नायक अच्छा अंतरजामी, प्रभु ते जन जानी जै जानते स्वामी। तू साडा नायक है, अंतरजामी है, तेरी बावत के कौन है आप, उसकी पहचान आपके भक्तों से ही पैदा होनी है ना। अदरवाइज लोगों ने आप दिखाई तो देते नहीं किसी को, क्योंकि परमात्मा का ना रूप ना रंग ना कोई नहीं है। सो इज नोन फ्रॉम द पीपल, स्पेशली भगत मैसेंजर्स जो भी साढ़े असी जिन्होंने भी मनते हुई है। कहने का भाव ये कि भगत रविदास जी, गुरु रविदास जी हमें कह रहे हैं कि एक अकाल पुरख निरंतर वाहिगुरु अल्लाह परमात्मा जो भी आप मानते हो उसके साथ जुड़ो, जो भी बुत पूजा है कर्म कांड है उसको छोड़ो, ताकि हम सब बरोबर होके अपना जन्म सवार सके और एक दूजे की मदद से आगे बढ़ सके। सो कितना शानदार मैसेज है भगत रविदास जी का। अनफॉर्चुनेटली हो क्या गया है कि हम लोग उनकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, हम आगे से आगे बंडी जाते हैं। मनुवाद ब्राह्मणों ने शुरू किया, अब मनुवाद को कौन याद कंटिन्यू रख रहे हैं, हम लोग, क्योंकि हम वही जाति पाति में फंसे हुए हैं, जिससे कि रविदास जी, कबीर जी, गुरु नानक साहब जी, बाकी जेड़े नामदेव जी सारों सानू कढ़ने की कोशिश की है। सो एक परमात्मा की उसका नाम जपने से किसी भी रूप में, सतनाम कह लो, वाहिगुरु कह लो, अल्लाह राम जो भी तुहानू लगे ठीक है कह लो, पर उसके नाल जुड़न दे नाल असी भगत रविदास जी की जिहड़ी है टीचिंग उन्होंने फॉलो कर सकते हैं, तो फिर सानू अपने लियाउण दी लोड़ है उन्होंने प्रैक्टिकल रूप दे विच। यू नो बातें करने से कुछ नहीं बनता, नारे लाने से कुछ नहीं बनता, जे हो हमारे जिंदगी में चेंज आएगी तो प्रैक्टिकल करने से आएगी। सो एक दूजे से सांझ पाओ, एक दूजे से रोटी पानी की सांझ करो, एक दूजे से रल मिल के प्रेम प्यार से इकट्ठे हो, एंड दैट्स व्हाट विल यू नो जमात करामात। वो सानू सब दे विच भगत रविदास जी का जिहड़ा हैगा शब्द बेगमपुरा शहर का नाम, जेड़े शहर की वह गल कर रहे हैं, जेड़े एडमिनिस्ट्रेशन की वह गल कर रहे हैं, जिते गम नहीं, जिते सारे बराबर ने, सारे जिते कोई ऑल एट द सेम लैवल, उ सोसायटी असं क्रिएट कर सकते हैं। सो सब न मेरी यही है, भगत रविदास जी का जन्मदिन मना जो मेन परपज़ है
टीचिंग्स नू रिव्यू करके उन्होंने फॉलो करके उन्होंने प्रैक्टिकल रूप देना फिर ते भगत रविदास जी का जन्मदिन मनाया अदरवाइज ते एवें गली बाती किले उसारन वाली गल थैंक यू जी धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है बहुत शुक्रिया हम आपके पास दोबारा फिर से लौटने की कोशिश करेंगे मैं अन्य मेहमानों के पास लौटना चाहूंगा हमारे साथ गौतम जी काफी देर से सुन रहे हैं मैं गौतम जी से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस ढंग से दिल्ली में भगत रविदास गुरु जी की जो पुरातन काल से जो जो वहां के जो मंदिर था उनको तोड़ा गया और कहीं ना कहीं से उनकी विचारधारा को तोड़ने की कोशिश की गई उसको कुचलने की कोशिश की गई इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें दिल्ली से गौतम जी पुनः सभी को संत शिरोमणि गुरु महाराज की जय हो और उनकी जन्म दिवस पर सबको शुभकामनाएं ये तो मैंने कल भी आपको बताया था कि ये अचानक नहीं है ये जो सरकारें हैं ये सरकारें हिंदू माइंडेड सरकारें हैं उनका बस नहीं चल रहा नहीं तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें जो प्राचीन काल से संत शिरोमणि महाराज का वहाँ तुकलकाबाद के सामने जो तारा अपार्टमेंट है वहाँ पर उनका जो पांच एकड़ में उनका जो भूमि है वहां उनका तालाब होता था उस तालाब पे उनका आना जाना रहता था वो उनके चरण कमलों से सुशोभित थी वो जमीन और बड़े प्राचीन काल से वहां पर अलॉट वहां के राजा महाराजाओं ने कहना है संत शिरोमणि महाराज को वो जमीन अलॉट की गई थी और उसकी बहुत गहरी नीम भी आज जब खुदाई हुई तो उसकी नीम भी बहुत गहरी तक खुदाई मिली उन चीजों के लिए उसके बाद भी इन लोगों ने रूढ़िवादी लोग सरकार ने अचानक तौर पर उसको बंद कर दिया उसको तोड़ने का प्रयास किया गया और कुछ भाग उसका तोड़ा भी मगर मैं अपने समाज को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों में इतनी जागरूकता थी उन्होंने इतना आक्रोश था जैसा आक्रोश था मैं हम भी शामिल थे हमारी संस्था S4NGO भी उसमें शामिल थी और हमारे जो मीडिया है BBC 24/7 न्यूज और M India वो लोग भी उसके साथ में उसको पब्लिश करने में जी जान से जुटे रहे और कुछ पत्रकारों ने तो पुलिस के डंडे भी खाने पड़े उसमें मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया और पूरी टीम भीम आर्मी के साथ वो वहाँ पर लगे रहे जमे रहे और उनका अथक प्रयास रहा हम सबका भी प्रयास रहा जिसमें से हमें पुनः ये कायम करने में हमें कामयाबी मिली आज वो पुनः बड़े भव्य तौर से बनाया जा रहा है और आज हम जाने का अवसर नहीं मिल पाया कहूँगा हम कई कारणों से गिरे पड़े थे अपने संस्था के NGO में ही हम थोड़े बहुत खुशी हम मना पाए बाकी प्लानिंग और हमारी कर्मेट जो हमारी संस्था की राष्ट्रीय लेवल की जो एडवाइजर है रोशनी जी तो उनका भी हमारी सुबह प्लानिंग हुई थी किसी कारण से प्लानिंग फेल हो गई मगर हमारी समरसता और समानता तो हम तभी हम कायम कर सकते हैं जब हम भाईचारा स्वयं घर से पैदा करें हम दोस्ती और रिश्ते नाते हम आपस में बनाते हैं जब तक हम रोटी बेटी का संबंध अपने नीचे वाले कम्युनिटी के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हम समानता नहीं ला सकते हम ये उम्मीद तो करते हैं कि अपने अपर कास्ट में चाहे वो ठाकुर हैं ब्राह्मण हैं बनिया हैं उन लोगों से अपनी लड़कियां अपने घर में आ जाएं मगर हम ये कभी नहीं सोचते कि हमसे नीचे वाले जो कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों की लड़कियां भी हमारे घर में आए जब हम खुद ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि अगर वाल्मीकि या फिर जो दूसरे जो हमसे कम्युनिटी नीचे हैं उन लोगों को हम बेटी स्वीकार नहीं कर सकते तो दूसरे लोग हमें कैसे स्वीकार करेंगे वो खुद हमारे सामने सवाल खड़ा करते हैं कि जब तुम एक परिवार में अपने रिश्तेदार में ये बता दीजिए कि तुमने नीची जाति के किस लड़की को अपने घर में अपने साथ ब्याह करके लाए जो हम आपको करें तो यही सब चीज है कि हम पहले अपने गले में झांकना पड़ेगा अगर हम किसी की तरफ ये उंगली दिखा रहे हैं तो तीन उंगली हमारी तरफ भी जाती है कि पहले हम अपने गले में झांक कर देंगे कि हम क्या समाज के लिए काम कर रहे हैं
हम क्या समानता के लिए काम कर रहे हैं कि हम जाति वही समाज हम बनाएंगे कैसे, जब तक हम खुद में बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक हम दूसरों को हम क्या एडवाइस देंगे या कैसे हम सामाजिक कार्य करेंगे। तो यही चीज है कि हम पहले खुद में बदलाव लाएं और फिर समाज में उन चीजों का उदाहरण दें। जी सभी के लिए बहुत धन्यवाद। मैं से आज सुनने के लिए गौतम जी हमारे साथ दिनेश कुमार जी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस परिचर्चा पर और हमारे चैनल पर भी। मैं दिनेश कुमार जी हमें सुन पा रहे हैं तो आप स्क्रीन पे आए और अपने विचार साझी करें आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर। दिनेश कुमार जी हमें सुन पा रहे हैं, अपनी आवाज को म्यूट करें और स्क्रीन पे आए। मुझे लगता है दिनेश कुमार जी हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं या उनका टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है। मैं संतोष साहू जी से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा। दिनेश कुमार जी सुन पा रहे हैं हमें? हेलो, मुझे लगता है हमारे साथ उनका कनेक्शन ठीक से नहीं है या वो टेक्निकल इशू के कारण वो हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं संतोष साहू जी से गुजारिश करूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर जो तमाम मेहमानों ने जो बातें रखी है उसके आधार पर एक सारांश के रूप में, एक निचोड़ के रूप में उनकी बातों को जवाब देते हुए आज की इस परिचर्चा को दोबारा अपनी विचार साझी करें। संतोष साहू साहब धन्यवाद। आज का जो विषय है, जिस विषय पे वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पे आए विद्वानों के द्वारा अपनी बातें रखी गई है, उसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। इस देश में जो छोटी जात बना के रखा गया है, एक्चुअल मैं ये कहना चाहता हूँ कि 26 जनवरी 1950 के बाद इस देश में वर्ग व्यवस्था अस्तित्व में आया है। आज हमें शिक्षा, नौकरी, नौकरी में प्रमोशन, राजनीति, ये जाति के नाम पे नहीं वर्ग के आधार पे हमें मिला है। और कानूनन अभी भारत में वर्ग की व्यवस्था है, या तो हम इस देश में शेड्यूल कास्ट हैं, या हम शेड्यूल ट्राइब हैं, या हम बैकवर्ड हैं, या जनरल हैं, या धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। ये 5 समूह में भारत के लगभग 137 करोड़ लोग हैं। इसके अलावा छठवां कोई वर्ग नहीं है, कोई बात अस्तित्व में नहीं है, है तो वर्ग की व्यवस्था। 25 जनवरी 1950 से लेकर ईसा पूर्व 180-85 से तक इस देश में जाति की व्यवस्था थी। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का जब अवतरण हुआ, उनका जन्म हुआ, उस समय भारत में बहुत कठिन जाति आधारित व्यवस्था था। जाति के आधार पे ही सारी व्यवस्थाएं थी और वो कानूनन था कि जो जिस जात में जन्म लिया है उसी जात में उसको अपना जीवन चलाना होगा, उसी जात का कार्य करना होगा, उसी जात में उसे रहना होगा। वो जातिगत बंधन अगर तोड़ता है तो तरह तरह के अत्याचार, अन्याय और अपमान और कानून का जो दंड था, बीपीसी जो था, ब्राह्मीन पेनल कोड के आधार पर उन्हें दंड का सामना करना होता था। तो मैं अभी सभी विद्वानों के बातों को सुनकर बस इतना कहना चाहता हूं कि समय समय पर भारत में जो सामाजिक व्यवस्था बनाई गई उसमें अभी जैसे वर्ग की व्यवस्था है, महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अथक प्रयास, उनके विद्वता के कारण इस देश में तमाम जाति और जाति ही नहीं उपजाति, जैसे कांच फर्श पे गिरता है और टूट जाता है, बिखर जाता है, ऐसे इस देश के समाज को जाति और उपजाति में रखा गया था जो एकदम बिखरे हुए थे। ऐसे तमाम जाति उपजातियों को सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन और अछूतपन जिन जातियों में था उन्हें आज हम शेड्यूल कास्ट के रूप में जानते हैं। जो जाति सामाजिक रूप से पिछड़ा था, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा था, पर जिनमें ट्रेड ऑफ ट्राइब था, कबीलाई गुण था, उन्हें हम आज अनुसूचित जनजाति अर्थात आदिवासी भाइयों के रूप में जानते हैं। जो जाति सामाजिक रूप से पिछड़ा था, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा था, परमाणु आदि व्यवस्था में जो सछूत था, छूने लायक जो जातियां थी, आज के दिन में वो अन्य पिछड़ी जाति के रूप में है। और जो उस समय
1928 से 1932 के बीच में अंग्रेजों की तरह बड़े ठाट बाट से जीवन जीते थे, जिनका सामाजिक प्रभाव था, जो शिक्षित थे और अंग्रेजों की तरह जीवन शैली थी, ऐसे सभी लोगों को अंग्रेजों ने अपने आप को पैमाना माना और उस पैमाने पे जो खरे उतरे तो उस समय से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ही अंग्रेजों की तरह बड़े शानो शौकत से जीवन जीते थे, तो अंग्रेजों ने उन्हें समान घोषित किया। और इसी तरीके से इस देश में मनुवादी जो व्यवस्था है, जो ऊंच नीच पे आधारित है, गैर बराबरी पे आधारित है, जन्म के आधार पे ऊंचे, जन्म के आधार पे नीच, जिन लोगों को बनाया गया, वो त्रस्त और तबाह हुए लोग जब जब मानवता, इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पे चलकर जो भी संदेश इस देश में दिए उनके साथ हो लिए, तो ऐसा भारत के मूल निवासियों के बहुत बड़ा संख्या इस देश में इस्लाम को कबूल कर लिया, ईसाइयत को कबूल कर लिया, भारत में ही सिखिज्म का उदय हुआ जो ब्राह्मण धर्म से बिल्कुल सर्वथा भिन्न है। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं इस देश में आई हैं, सामाजिक व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। पर भारत का मूल जो व्यवस्था है वो गण व्यवस्था है। अभी तक भारत के इतिहास में जो सबूत हैं कि भारत अखंड भारत 18 गणों में विभक्त था, जिसके आज गण का मतलब जैसे शाक्य गण था, लिच्छवी गण था, कोली गण था, नाग गण था, द्रविड़ गण था, ऐसे 18 गणों में विभक्त लोग जिनका आपस में रोटी बेटी के संबंध थे। पर इस देश में यूरेशियाई आर्यों के आने, उनके आक्रमण हमला के बाद इस देश का गण व्यवस्था को ध्वस्त करने का कोशिश किया गया, वर्ण व्यवस्था थोपी गई। वर्ण व्यवस्था के बाद तथागत गौतम बुद्ध का उदय हुआ। गौतम बुद्ध के सामाजिक आंदोलन के बाद इस देश में जिन लोगों को शूद्र बना दिया गया था, गुलाम बना दिया गया था, ऐसे गुलामों का फिर से भारत में राज हुआ और फिर प्रति क्रांति पुष्प में सुंग के माध्यम से की गई, तब भारत में जाति की व्यवस्था का उदय हुआ। और जाति की व्यवस्था के बाद जब राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले, राजर्षि साहूजी महाराज और भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो कार्यकाल है 108 वर्ष का एक लंबा जो संघर्ष है, तब भारत में इस हमारे देश में वर्ग व्यवस्था अस्तित्व में आई। पर आज आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग वर्ग का लाभ लेते हैं लेकिन जाति का काम करते हैं, और उनसे पूछा जाए कि आपकी जाति इस देश में कितनी बड़ी संख्या में है, आप लोकतंत्र में हैं, आप विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, आप सर्विस में हैं, IAS हैं, IPS हैं, IFS, IRS, तमाम पदों में हैं, ये जो आपको मिला है इस देश में, ये किस व्यवस्था के कारण आपको मिला है? तो बहुत सारे महानुभावों को इसकी बुनियादी बातें पता नहीं है। तो मैं वाई साहब मानवता को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आप ऐसे समय समय पर जो इस देश में बहुत गहरी और गंभीर बातें हैं उसके ऊपर चर्चा करा रहे हैं, इसका बहुत गहरा असर हो रहा है और आगे भी होगा। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज भारत के मध्य काल में जन्म लिए और उनको जातिगत जो यातना झेलनी पड़ी है, वो जातिगत यातना को लोग अभी ना समझ पाए, लोगों से ऐसी बातों को दूर रखा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा क्रांति उनके साथ जुड़ा हुआ है। बस लोगों को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के साथ जो अन्याय, अत्याचार, अपमान जातिगत कारणों से हुआ है, अगर इसको इस देश के बहुसंख्यक लोग सुन जाए, समझ जाए, उनको बताया जाए, तो बहुत बड़ी क्रांति उनके जीवन से इस देश में आने वाला है। ये ना हो, ये लोग ना जान पाए, इसलिए इन बातों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। पर आज साइबर युग है, विज्ञान का जमाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तेजी से, जिस प्रगति में समाज में बहुत अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से जो विचार जा रहा है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और सभी साथियों ने जो भी बातें रखी, ये जो छोटी जात शब्द आया, हाँ ये कहा जाता है व्यवहार में है कि नहीं ये छोटी जात का है, जात क्या है, जाति मनुष्य में नस्ल है, जाति नहीं है, जाति अप्राकृतिक बातें हैं। विश्व में 196 देश है और लगभग 46 टेरिटरीज है, सबको मिलाकर इस देश में 240 देश और टेरिटरीज हैं, जिसमें सिर्फ भारत में जातियां पाई जाती हैं और दुनिया में कहीं भी जातियां नहीं हैं। और ये जाति की जो व्यवस्था है इस देश में, गुलाम बनाने की व्यवस्था है, पशुओं से ली गई व्यवस्था इंसानों के ऊपर थोप दी गई है। भारत को कहा जाता है कि ये कृषि प्रधान देश है, ये सच है कि कृषि प्रधान देश है, पर भारत उससे आगे जाति प्रधान देश बन गया है।
जब तक भारत में जातियों के ऊपर खुलकर बात नहीं होगा, जाति कौन बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, इन जाति की व्यवस्था से सबसे ज्यादा फायदे में कौन लोग हैं, सबसे ज्यादा नुकसान और घृणित जगह पे कौन लोग पहुंच गए हैं, ये क्यों ऐसे हुआ है। जो नीची जाति के लोग हैं वो कभी सूर वीरों के वो वंशज हैं जिनका राजपाट था, जिनका ये देश है, आज वो पराजित हुए, उसका सजा छोटी जात के रूप में अर्थात गुलामी के रूप में उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इन सभी बातों को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को भली भांति ज्ञान हुआ, तब उन्होंने ब्राह्मणवाद मनुवाद का पुरजोर विरोध किया और इस विरोध की वजह से उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ी। साथियों, मैं इस मौके पे ज्यादा अपनी बात ना कहते हुए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भारत में जो जाति की व्यवस्था है विश्व में कहीं पर नहीं है, क्योंकि जाति प्राकृतिक नहीं है। पशुओं में जातियां हैं, पक्षियों में जातियां हैं, वनस्पति में जातियां हैं, उनके शरीर से, उनके मल मूत्र, उनके प्रजनन से हम जान सकते हैं, पर मनुष्य में कोई भी जाति नहीं है। जिस जिस जाति का अगर आपस में वैवाहिक शादी विवाह कराए जाए, अगर प्राकृतिक होता, जाति प्राकृतिक होता, तो जैसे हाथी का जो संपर्क है वो घोड़े से नहीं हो सकता, घोड़े का भैंस से नहीं हो सकता, ये अप्राकृतिक बातें हैं। लेकिन मनुष्य के साथ जो जाति है वो अप्राकृतिक है, मनुष्यों में कोई जातियां नहीं है, मनुष्य में नस्ल है। जैसे हम भारत के लोग लोग हैं, हम मंगोलाइड नस्ल के लोग हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में निग्रोलाइड नस्ल के लोग हैं और यूरेशिया साइबेरिया क्षेत्र में ऑस्ट्रोलाइड नस्ल के लोग हैं, जिनके शारीरिक बनावट, उनके रंग रूप, उनके जैसे अफ्रीका महाद्वीप में जो निग्रो हैं उनका शरीर बिल्कुल काला, ऐसे बड़े बड़े शरीर वाले लोग हैं जिनका बाल इतना घुंघरालू है। आप समझ सकते हैं इतने कम समय में बहुत सारी बातें नहीं की जा सकती, पर मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के द्वारा जातिगत व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया गया है वो बिल्कुल अद्भुत है और उनके बताए रास्ते पे हम सबको चलना चाहिए। भारत में कोई जाति ऊंचा और नीचा नहीं है, भारत में जाति की जो व्यवस्था बनाई गई थी उसका कार्यकाल था 2010 साल लगभग, 2010 वर्ष लगभग जाति की व्यवस्था कानूनन थी, जो अब भारत में समाप्त हो चुका है, अब भारत में वर्ग की व्यवस्था है। इन बातों को समाज में लेके जाएं, जन जन तक बताएं, तभी हमारे संत महापुरुषों का जो सपना था, सपनों का भारत है, वो साकार होगा। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय भारत, जय संविधान। संतोष साहू साहब, बहुत बहुत सुंदर शब्दों में आज के इस परिचर्चा को आपने डिफाइन किया है। मैं छत्र चंद्रपाल सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर आप काफी वक्ताओं के विचार सुने हैं और इस विचारों को आप किस ढंग से समझते हैं और कैसे कुछ किया जा सकता है, गुरु रविदास जी की विचारों को हम उसके रास्तों पर चलकर हम जो बहुसंख्यक समाज है वो एक कैसे हो सकते हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं दोबारा लेना चाहूंगा। छत्रपाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर जी, बड़ी अच्छी बात है साहू जी ने जो बातें कही हैं कि जाति जानवरों की होती है, इंसानों की नहीं होती है, ये बहुत ही सच बात है। और संत शिरोमणि रविदास महाराज जी ने भी इसी पे काम किया था, समतामूलक विचारधारा के संत थे वो, तो हमें उनकी वाणियों को पढ़कर समझ कर, किताब तो हम पढ़ लेते हैं, पढ़ के उनको सीखना समझना अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी बात है। इसलिए सभी बातों का सार यह है कि हमारे जो भी महापुरुषों ने समाज को सुधारने के लिए जो भी कार्य किए हैं, हम उनके इतिहास को पढ़ रहे हैं और पढ़ें, अपने बच्चों को भी वही पढ़ाए हैं। धार्मिक किताबें तो लोग बहुत पढ़ लेते हैं, धार्मिक किताब के साथ साथ महामानव भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें एक ग्रंथ दिया जिसमें सभी धर्मों का समावेश है, वो संविधान है, भारतीय संविधान है, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, उन्हीं से हमारा उद्धार होगा, उन्हीं से हमारी पीढ़ियां बदलेंगी, सोच बदलेगी। जब तक हम संविधान को नहीं पढ़ेंगे धार्मिक किताबों के साथ साथ, हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। बाबा साहब के तीन मंत्र जो हमेशा बाबा साहब लिख के चले गए हैं,
शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब के साथ में यह उल्टा था, बाबा साहब ने अपने जीवन में पहले संघर्ष किया था, फिर शिक्षा ग्रहण की थी, फिर सबको संगठित किया था, ये परंपरा चली थी। लेकिन हमारे लिए जो बाबा साहब तीन मंत्र छोड़ के चले गए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो ये बात हमें अभी नहीं समझ आ रही है। लेकिन सरल जाति के लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है, वह शिक्षित भी हैं, वो संगठित भी हैं और मिल के संघर्ष भी कर लेते हैं। तो ये बातें हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी वाणियों को हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। केवल पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। किसी ने कहा कि हमने 10 किताबें पढ़ी, 20 किताबें पढ़ी, तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारे अपने इतिहास को जानते हुए, अभी साहू जी ने बताया कि वर्ग व्यवस्था है इस समय, वर्ग व्यवस्था कैटेगरी वाइज SC OBC ST इस तरह की व्यवस्था है। भारतीय जो राजनीति है, पहले हमारे इतिहास जो मूल निवासी इतिहास था, उन्होंने फूट डाल डाल कर सब इतिहास खत्म किया है। इसी तरह से वर्तमान में भी जो कलयुग कहते हैं, जो कलम का युग कहते हैं, उसको भी शिक्षा विहीन करने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से वीर एकलव्य का अंगूठा उन्होंने छल से ले लिया था शिक्षा विहीन करने के लिए, आज भी भय का व्यापार जो हमारे देश में चल रहा है, कभी कोई डल लेके आ जाते हैं, कभी कोई डल लेके आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे जो समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान के बदौलत जो IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, 100 साल से पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, संविधान की बदौलत हमें पढ़ने का अधिकार मिला, हमें आरक्षण मिला, उसी की बदौलत आज हम जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की हमारी आजादी है, उसी की बदौलत मिली है। तो हमें अपने सभी बहुजन साथियों को संविधान को जरूर पढ़ना चाहिए, IPC CRPC CP को जो कानून है, कानून न तोड़े, कानून का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये सब जीवन में अगर हम लेके आएंगे तो स्वाभाविक है कि हम अपने अपने बच्चों के और आगे आने वाली जो नस्ल है उसके लिए, जैसे सभी समाज सुधारकों ने हमें समय समय पर सुधरने का मौका दिया, विचार रखे, ऐसे ही हम अपनी नस्ल को ये बात कह के चले जाएंगे और आगे की जो जनरेशन है वो शिक्षित बनेगी, संगठित रहेगी और मिलकर संघर्ष भी कर लेगी। ये एक मैसेज हम समाज को देंगे जी। चंद्रपाल सिंह जी, आपके बगल में बैठे हुए एक सज्जन है, वो अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। चंद्रपाल सिंह जी आपके बगल में बैठे, उनका परिचय बताएं और बात करें। हमारे साथी हैं मुखलाल गौतम जी। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। जो अब जो बदला है, जात कोई है, सिर्फ नई दुल्हन को नए कपड़े पहना दिए और अंतर कुछ नहीं हुआ है। पहले जाति से होता था, अब वर्ग से बना दिया, SC ST करके बना दिया, बात वहीं पर है और कोई अंतर नहीं हुआ है। बस ये है कि हमारी अभी एकता बहुत कमजोर है, इसलिए हम लोग कहीं हमारे बुद्ध विहार तोड़े जाते हैं, कहीं हमारा गुरु घर तोड़ा जाता है, कहीं अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जाती है, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। हम अभी भी बटे हुए हैं कि ये धोबी है, कि ये धानों का है, ये कि वाल्मीकि है, ये चमार है, इसमें बटे हुए। बस जब तक ये एकता नहीं होगी तब तक हम इसी तरह तोड़े जाएंगे और तोड़ते रहेंगे जी। क्योंकि वो लोग हर तरीके से धन बल तन से सबसे ऊपर है। बस इसी बात, संत रविदास गुरु जी की सबको जन्मदिन की सबको बधाइयां और शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल सभी आपको भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आज की इस परिचर्चा को, हमारा समय भी नजदीक आ चुका है, तो मैं सभी मेहमानों से बारी बारी से एक एक मिनट में आज के इस जयंती के अवसर पर अपने संक्षिप्त परिचय देते हुए आज के इस विचार को साझी करें। रोशनी जी, लास्ट कमेंट आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर संक्षिप्त में। मैं सभी अपने साथियों को अपने दिल से हार्दिक बधाई देती हूँ कि गुरु रविदास जी की वाणी को सुने और उसे ग्रहण करें और उस मार्ग पर चलें। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रोशनी जी। मैं मीना जी से भी चाहूंगा कि वो नेपाल से आज के इस चर्चा पर अंतिम प्रतिक्रिया दें। मीना परियार जी। मीना जी हमें सुन पा रही हैं? मुझे लगता है मीना जी हमारे साथ संपर्क में नहीं है। बहरहाल मैं आज की इस चर्चा को संक्षिप्त में प्रतिक्रिया के लिए मैं चाहूंगा कि
जसबीर भाटिया साहब अपनी अंतिम प्रतिक्रिया दें और उसके बाद में मैं कृपाल सिंह साहब से और संतोष साहब से भी गुजारिश करूंगा कि लास्ट कमेंट के रूप में उसके बाद हम आपकी आज की इस परिचर्चा को समाप्त करेंगे। जी जसबीर भाटिया साहब जी, एक बार फिर वाइस साहब मानवता को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है और सब सुनने वालों को, सब जो जिन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सब सुनने वालों को आपको सबको श्रद्धांजलि, गुरु साहब की श्रद्धांजलि, आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस दिवस की। और जैसे कह चुके हैं पहले, मैं तो हमेशा जल्दी से आप जानते हैं कि जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ मैं यही कहता हूँ, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, एजुकेशन 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 और यूनिटी। जब तक आप संगठित तो नहीं होते तब तक ये हम बटे रहेंगे, चाहे वर्ग हो चाहे जाति पाति हो या कोई और चीज हो, नाम बदलते रहेंगे, लेकिन जो असल में है ये है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि जो जातियां जो लोग, जाति नहीं कहना चाहता हूँ, जो लोग पिछड़े हैं ऊपर ना आए ताकि उनकी पासत्ता को खतरा पहुंचेगा। तो ये चलती रही है सैकड़े सालों से, जैसे मैंने पहले भी कहा, भगवान जातियों की मारने की कोशिश की गई, दूसरे संतों को भी मारने की कोशिश की गई कि देखो नहीं चाहते हैं, और वही आजकल भी चल रहा है। तो इसको समझें, संगठित हो शिक्षित हो इतना ही काफी नहीं कि आप उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें समझें, लेकिन साथ साथ संघर्ष की जरूरत है, संघर्ष के बिना नहीं हम पहुंच पाएंगे कहीं, और बिना संगठन के संघर्ष भी नहीं हो सकता, अकेले तो अकेले कोई इंसान संघर्ष नहीं कर सकते। इसलिए जो बातें कही हैं हमारे भाई साहब ने, ये तीन शब्द कहे हैं, संगठित हो शिक्षित हो और संघर्ष करो, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं, और ये बातें मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ, आज फिर कहता हूँ। इसी से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आप बहुत सुंदर हमारे देखने सुनने वालों को और आज के गुरु महाराज की जयंती के अवसर पर बहुत सुंदर मैसेज दिया है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी अंतिम संदेश और अपनी अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में हमारे दर्शकों तक अपनी बात रखें। जसबीर कृपाल सिंह जी, देखो बहन भाइयों, आप सबके जो विचार हैं बहुत शलाघा योग्य हैं। मेरी ये प्रार्थना है आप सबको कि आप भगत रविदास जी की याद में प्रीति भोजन शुरू करें, प्रीति भोजन मिलजुल के सब इकट्ठे होके सकें। सो आपके जो जात पात है ना, ऐसे खत्म नहीं होती, जात पात खत्म करनी है तो कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। बेसिक स्टेप ये है कि जहीं भी कहीं खुराक जब फूड पर कठे लोग हो जाएं, हौली हौली उनकी बातों से मिलने गिलने से प्यार पैदा हो जाता है, और नहीं तो चाह पानी की एकत्रता होए। देखो मेरे पीछे दरबार साहब है अमृतसर की फोटो, जो कि चार डोर्स ने उनको है इनविटेशन, सबसे आओ भाई, कोई डायरेक्शन हो, कोई जात पात हो, कुछ सब यहाँ मंजूर है। एक परमात्मा एक सत नाम ओंकार की ग्लोरी, उसके गीत गाओ और इकट्ठे हो। जो प्रेम भाव है वो गल्ला बातों से नहीं होगा, प्रैक्टिकल स्टेप लेके होगा। सो जितना चेर आप लंगर जैसी अवस्था नहीं शुरू करेंगे, उतना चेर सब सीमित रह जाएगी गल्लों बातों में ही, नारेबाजी में सीमित रह जाएगी। सो माय अर्ज है अम्बेंती, कुछ करो, प्रैक्टिकल करो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, आपने बहुत अच्छी मैसेज हमारे दर्शकों को, हमारे आज के जुड़े मेहमानों को दिया है। मुझे लगता है इस पर अमल जरूर करेंगे। मैं संतोष साहू साहब से गुजारिश करूंगा कि लास्ट कमेंट के रूप में अपनी बात रखें। संतोष साहू साहब जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ माननीय डॉक्टर कृपाल सिंह जी की बातों से, भाटिया साहब की बातों से, सभी विद्वानों की बातों से, कि हमें जितना जल्दी हो सके इस देश में जातिगत जो अलगाव है, हम लाभ जरूर वर्ग का लेते हैं लेकिन काम हम अनजाने में सिर्फ जाति का करते हैं, जाति के अंदर उपजाति का करते हैं। ये जानकारी चर्चा और शिक्षा के माध्यम से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा,
लोग जाति उपजाति का जो दलदल है, क्योंकि भारत में कानूनन जाति की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, किसी को आप जाति के कारण जाति के आधार पर काम नहीं करा सकते, ये कानूनन जुर्म है। ये जाति उपजाति को मिटाकर इस देश में 5 वर्ग कायम किया गया, वो भी सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन और जो भी बातें हमने पूर्व में कहा है। तो ये बात सही है कि प्रैक्टिकल में हमें एक दूसरे से बैठ के खाना पीना का रिवाज शुरू करें, एक दूसरे से जो छुआछूत अभी भी भारत में छुआछूत है, भारत गांव का देश है, गांव का हालत तो क्या है, ये जैसे ट्राइब है तो एक ट्राइब की सूची की जाति दूसरे जाति के हाथ का पानी भी पीना नहीं चाहता, शेड्यूल कास्ट का वही हाल है, एक शेड्यूल कास्ट की सूची में परस्पर सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से समान लोग समाज में जिनको अछूत बनाया गया वो आपस में भी ऊंच नीच गैर बराबरी रखते हैं, ओबीसी तो और भी ज्यादा जातिवादी भी व्यवस्था के शिकार है। तो हम ये बात सच है कि जैसे हम एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे के घर में खाना, सामूहिक भोज, ऐसे जब चर्चा होगी तो ये व्यवहारिक रूप से ये जाति उपजाति का जो घृणित व्यवस्था विश्व में कहीं जो भारत में बनाई गई और हालांकि वो समाप्त हो चुका है फिर भी व्यवहार में अभी है, इसको दूर करने का जो माध्यम विद्वानों के द्वारा बताया गया उससे मैं सहमत हूं। और आपने मुझे जो उत्तर दिया 1 मिनट का, उस विषय पे मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि संत श्रोमणि गुरु रविदास जी महाराज जाति आधारित व्यवस्था को लेकर जितना बड़ा और महान संघर्ष किया है उसे हमें प्रेरणा देना चाहिए, व्यवहार में और कार्यों में उसे लाना चाहिए, उसके ऊपर हम सब अमल करें, ऐसी कामनाओं के साथ पूरा देश और दुनिया के लोगों को संत श्रोमणि गुरु रविदास जी के इस जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया संतोष साहब साहब आज के इस परिचर्चा पर हो रहे विचारों को अपनी प्रतिक्रिया दें, साझी करें, विचार करें और प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें, ताकि हम समय समय पर वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर हो रहे चर्चाओं में बदलाव ला सके और संत महापुरुषों के विचारों को ला करके हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें बहुसंख्यक समाज के लोगों के लिए। तो वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आज जुड़े सभी मेहमानों का मैं, जिसमें संतोष साहू साहब का, जसवीर भाटिया साहब का, कृपाल सिंह साहब का, गौतम साहब का, अक्षत्रपाल सिंह साहब का और उनके तमाम साथियों का, रोशनी जी का, मीना परियार जी का, सभी साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती समय दे करके हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर अपने विचार साझे की। अब मैं आज की इस परिचर्चा को यहीं विराम देना चाहता हूं। आप सभी मेहमानों को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी सतनाम, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इस चल आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हमारे मेघराज सिंह का, डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, भाटिया साहब का बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे उनके और वह संबंध से जुड़े रहे, धन्यवाद, बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।